नमस्ते प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग टीज़र को इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे गाने हैं, उसको आप इतना स्नेह, इतना प्यार, और सबसे बड़ी की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, कि माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आबाद रखे, ताकि हम सब भी आप सबको देख के आबाद रहें। मैं समझ सकता हूँ बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना मदद हो सके मैं अपने बिहार वासियों का करूँ और अपनी जनता का करूँ, और मैं करूँगा भी और करता भी हूँ, और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगी। और आज का टीज़र राजा राम को आपको कैसा लगा? सारे गम हम भोजपुरी पे वो रिलीज हुआ है, तो आप जाइए और उसको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारे गाने भी रिलीज हुए हैं खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेकर, मानस रिकॉर्ड से लेकर, एंगल म्यूजिक से लेकर, ग्लोबल से लेकर, बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, तो उसको भी अपना प्यार और स्नेह दीजिए। ग्लोबल वाला गाना तो दोनों का दोनों ट्रेंडिंग में है, तो बस प्रयास है, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड की तरह अपने भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी के गानों को प्रमोट करें, ताकि भोजपुरी बड़ा हो। और अब बॉलीवुड का टक्कर तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है, बट हम प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि हमारा भोजपुरी बड़ा हो। क्योंकि अगर भोजपुरी में कोई बड़ी लेवल की चीज़ें होती है तो उससे भोजपुरी का उत्थान होता है, भोजपुरी की गरिमा बड़ा होती है। बट हम कहीं जाकर अगर कुछ करें तो हमारी गरिमा बढ़ती है, और अच्छी बात है, हम सबको करना भी चाहिए और बेहतर करके ही अपने आप को बड़ा करना चाहिए। तो एक प्रयास है कि हम बेहतर करें और अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा से, अपने क्षमता से, अपने मेहनत से, तो प्रयास यही है। और आज के आप लोगों ने टीज़र देखा होगा सारे गम हम भोजपुरी में जो रिलीज हुआ है, और हमारे पराग पाटिल जी जुड़ रहे हैं क्या इसमें? कहाँ है पराग पाटिल सर? पराग पाटिल सर कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक। रिक्वेस्ट में कहाँ हैं? पराग पाटिल जी रिक्वेस्ट ये बंद किए क्या रिक्वेस्ट? शायद हो सकता है किसी कारण ने पराग पाटिल सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो बस प्रयास है। और अंकित जी, अंकित यादव जी भैया, लव यू भाई। मन्नू पटेल जी, चलिए थैंक यू सबको। रिंकू भाई, संतू भाई, सजाद भाई, सबको सबको और दिल से धन्यवाद आप सबको कि आप लोग हमें इतना स्नेह और प्यार देते हैं। राम राम चाचा, अरे भाई चाचा नहीं हूँ, भैया बोलो यार, काहे हमको बूढ़ा बना रहे हो? सुभि शर्मा जी, अरे थैंक यू सुभि जी, आई एम फाइन, बढ़िया हूँ मैं, आप कैसी हैं? बहुत दिन बाद सुबह जी का मैसेज आया है मुझे, हाय। संजय यादव जी लव यू संजय यादव जी, छोटा डॉन थैंक यू भाई, अपना ही प्यार। और सोनू भाई, राधे 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 राधे। अतीश सिंह जी, जी सबको, नीतीश जी, हाशमी फैजल, सलाम अलैकुम सुभि जी, अच्छी हूँ, थैंक यू सुभि जी, आप अच्छी रहिए, बस माँ से प्रार्थना है आपको ऐसे ही एकदम स्वस्थ रखें। शिवा क्रिकेट,
चलिए, लव यू विशाल यादव जी, लव यू भाई मंटू कुशवाहा जी, लव यू सबको, मंजीत जी सबको दिल से प्रणाम भाई, आप लोग इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। तो आप लोग जाइए और सारे का महम भोजपुरी पे जो मेरा टीजर लॉन्च हुआ है, रिलीज हो गया है, तो आप उसको स्नेह और प्यार से भर दीजिए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर, और 9 तारीख को गाना भी छूट रहा है मेरा, चुम्मा चुम्मा दे दे, तो आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बड़े कैनवास पे शूट हम लोगों ने किया है। सत्यम भाई जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भैया, लव यू भाई सत्यम। यदुवंशी जय हो यदुवंशी। अंकित यादव, अंकित जी लव यू भाई, अंकित, रंजीत, निहाद सलाम अलैकुम भाई, और अफरोज साहिल। तो आप जाइएगा, जब टीजर देखिएगा तो मजा आएगा आपको। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को ही एक बॉलीवुड की तरह प्रेजेंट किया जाए, उसमें जो बॉलीवुड में चीजें होती है वो, ताकि भोजपुरी हमारे साथ साथ भोजपुरी भी बड़ा हो। तो प्रयास है एक कि अपने भाषा को कितना कैनवास दिया जाए, और उसी प्रयास के साथ हम चल रहे हैं ताकि उससे हमारा भाषा भी बड़ा हो और लोग उसको देखें तो कहें कि नहीं यार भोजपुरी में ऐसी जैसी चीज़ें होती है। जैसे मेरी मूवी आप लोगों ने संघर्ष 2 देखी, रंग दे बसंती देखी, तो प्रयास है लगातार। दुर्गा पूजा में भी मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो हमारा अंदाज और अपराधी, तो दोनों मूवी ठीक है। तो बस ऐसे ही अंकित यादव जी, कहाँ हैं पराग पाटिल, ये है पराग पाटिल, लो भाई ऐड कर दिया अपने पाटिल साहब को, कहाँ गए वो, हाँ तो आ जाइए पराग पाटिल साहब, मुझे शूट करने हैं भाई, मैं शूटिंग पे हूँ। हाँ रेडी, बस लगता है पराग पाटिल सर नहीं आने वाले हैं, नहीं जुड़ने वाले, बेचारे का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं दूर है। बड्डे बॉय रंजे, रंजे भाई आरा जिला किंग, लव यू भाई, लव यू सबको दिल से प्रणाम। और आप लोग जाइए और आशीर्वाद और प्यार से भर दीजिए। खुशी सिंह बिहार से, थैंक यू बहन, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। सुजीत यादव जी भैया दिल से प्रणाम भाई। चिल पार्टी, अरे वाह भाई चिल करते रहिए भाई आप लोग, एकदम चिल पिल। तो बस यदुवंशी अहिराज किंग भाई, लव यू किंग भाई, सबको दिल से प्रणाम। और मैं थोड़ा सा शूटिंग में हूँ, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए। और एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ही मेरा सब कुछ देख रहा है, तो बहुत सारे फर्जी लोग हैं, तो आपको कार्यक्रम से लेकर एडवर्टाइज से लेकर सिनेमा से लेकर गाने तक कोई भी अगर आपको जानकारी या आपको काम करना है, तो भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के अलावा आप किसी को भी कॉल करिएगा तो आपका काम नहीं होगा, समझ लीजिए कि फर्जी है। इसलिए उसके अलावा कोई मेरा काम नहीं देख रहा है, तो आपको कोई भी जानकारी या कोई भी चीज़ें करनी होगी तो भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ही करेगा, जिसका मैं एक बार लाइव आकर नंबर भी दिया था। तो प्लीज़ आप लोग वहीं संपर्क करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कान में मेरे आए, बहुत सारे फर्जी लोग घूम रहे हैं भी मतलब के, और उससे लोगों का नुकसान हो जाता है, वो लोग कुछ अमाउंट लेकर और निकल जाते हैं, पता तक नहीं चलता। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी संपर्क करिए तो भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के साथ ही करिए, क्योंकि वही जो करेगा वही मैं करूँगा, जो कहेगा वही मैं करूँगा अभी। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग जाइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए सिनेमा को, राजा राम को, पराग पाटिल जी को, और हमारे साथ पूरे कलाकार को। उसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने भी हैं, जो कि एक नया गाना चुम्मा चुम्मा दे दे 9 को रिलीज हो रहा है, जिसमें आकांक्षा पुरी जी बहुत प्यारा गाना किया, उन्होंने क्या मेहनत किया है और क्या पर्सनालिटी है उनकी, रिच है वो दिमाग से भी, दिल से भी, और बॉडी से भी, और नेचर से भी। तो रिचनेस का भंडार है हमारी आकांक्षा पुरी जी, नम्रता मल्ला जी ने बहुत प्यारा सॉन्ग किया है, तो पूरे कलाकार को सबको दिल से प्रणाम जिन्होंने हमारे राजा राम में काम किया है। तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, और जय माता दी। अपना ख्याल रखिए,
और ऐसे ही खुश रहिए। लव यू राजा राम।